दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ रहा है, संभवतः किशोर कुमार ने वो गाना गाया था, पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। कुछ वही हालत अपने देश की सियासत की है, खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें सियासतदानों के एक हिस्से में जो अपने देश के राजनेता हैं, खासकर ऐसे राजनेता जो सत्ता में भी हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर आवाम को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से बहाना चाहिए कि समाज में कैसे लोगों को बांटते रहा जाए, कैसे लोगों को उनके असल जो मसले हैं उनसे उनका ध्यान हटाते रहा जाए, कैसे अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई में होड़ मची है कि कौन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। गैस सिलेंडर का दाम अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 25 रुपए बढ़ गया, और गैस सिलेंडर की कीमत कुछ ही साल पहले, 7 साल पहले जितनी थी, मैं समझता हूं कि जितनी कीमत थी उसके कई गुना ज्यादा तो बढ़ोतरी हो गई है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम आकाश छू रहे हैं, और कब कितना बढ़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि इन चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने देश की सरकारें, अपने देश के सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। अब कोरोना दौर में क्या क्या हाल हुआ पूरा देश जानता है, आज भी लोग भूले नहीं हैं। खासकर जो दूसरी लहर आई उसमें कैसे हिंदी हार्टलैंड के कुछ इलाकों में क्या हाल हुआ, नदियों के किनारे, श्मशानों पर, कब्रिस्तानों में, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, सरकार ने कहा नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर से तो कोई मौत ही नहीं हुई है, और ऑक्सीजन सिलेंडर से जो मरने वाले थे उनके बारे में अस्पताल के मालिक, डायरेक्टर, डॉक्टर सब बयान देते रहे, टेलीविजन तक दिखाते रहे, वो टेलीविजन जो सरकार के भोंपू माने जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आखिर क्या वजह है कि अपने देश के सियासतदानों में हाल के कुछ वर्षों में ये पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए इस तरह का जो गीत है वो उनके राजनीतिक हित में, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक नया जुमला खोज लिया है कि किसी तरह से लोगों को भटकाओ और उसके लिए कोई ना कोई बहाना खोजो। अब जैसे सबसे बड़ा जो बहाना है वो क्या है, सबसे बड़ा बहाना है हिंदू मुसलमान। अब इस वक्त जब देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन में जिसमें कि अब तक न जाने कितने 100, 400, 500 की संख्या बताई जा रही है मरने वाले किसानों की इस पूरे आंदोलन के दरमियान, और मेरा मानना है दोस्तों कि एक एक किसान जो मरा है इस किसान आंदोलन के दौरान वो दरअसल मौत अपने आप नहीं हुई है, वो इस व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। लेकिन इन सब चीजों से लोग ध्यान हटाना चाहते हैं, और जैसे ही कोई मसला पा जाते हैं, अभी समय हिंदू मुसलमान कैसे खोजें, कहां से बनाएं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव का मसला है, उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत नजदीक है, तो अब मंदिर का मसला भी ठंडा पड़ा हुआ है, मंदिर का मसला तब थोड़ा तेज किया जाएगा जब 2024 का चुनाव आ जाएगा। हमें जो जानकारी है और आप सबको जानकारी है कि मंदिर के लिए जितना निर्माण में खर्च होगा उससे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, मंदिर के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, जैसा आदेश चाहा गया वैसा आदेश मिल गया, लेकिन मंदिर नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मंदिर तो एक समय पर बनेगा जब कोई फायदे की बात दिखाई पड़ेगी। तो जब मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद का मामला नहीं है, तो किसका मसला हो, कैसे डिवाइड किया जाए लोगों को हिंदू मुसलमान में, खासकर अपने हिंदी हार्टलैंड में। तो एक मिल गया है नया बहाना, फिर मैं वही कहूंगा पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, बांटने वालों को तो बांटने का बहाना चाहिए, नफरत फैलाने वालों को तो नफरत का कोई बहाना चाहिए, और वो मिल गया है अफगानिस्तान तालिबान। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक दुराभिसंधि है, कहीं ना कहीं उसके पीछे अमेरिका की कोई योजना है। आखिर एक साल से कतर में बैठकर, दोहा में बैठकर और वाशिंगटन में बैठकर जो लोग निगोशिएट कर रहे थे तालिबान से
और 3 साल 4 साल से साफ तालिबान, हार्ड तालिबान, कठोर तालिबान, मुलायम तालिबान की जो पूरी बहस छेड़ी जा रही थी दुनिया में, उससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन अमेरिका को कोसने की औकात नहीं है किसी सियासतदान में भारत के। लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने की औकात तो क्या, उनके उनके हाथ में सब कुछ है। अरे भाई, अफगानिस्तान की जनता को निपटने दीजिए। तालिबान क्रूर है, आतंकी है, उग्रवादी है, इसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो कल भविष्य में बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन तालिबान की पूरी हिस्ट्री जो है उग्रता, आतंक और खूंखार आचरण से भरी हुई है, अलकायदा की तरह। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये अफगानिस्तान का जो मसला है, अफगानी जनता उससे निपट रही है। कई राज्यों में अफगानिस्तान के विरोध हो रहा है अब तालिबान का। वहां के कई सियासतदान जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, उनके और तालिबान के बीच में निगोशिएशन चल रहा है। यूनाइटेड नेशन इंटरवीन कर रहा है, कोई ना कोई बयान कम से कम दे रहा है। बहुत बड़ा इंटरवेंशन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार ने ही कौन सा इंटरवीन किया है? भारत सरकार ने अभी तक कोई एक बड़ी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मुद्दे पर नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ चल रहा है, कभी संभल में, कभी लखनऊ में, कभी कहीं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मसला तालिबान है, सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान है। अरे भाई, इसराइल भी कई बार करता रहता है बहुत कुछ उपद्रव, कभी इसराइल बनता है मसला लखनऊ में। तो आखिर क्या वजह है कि तालिबान अफगानिस्तान को मसला बनाया जा रहा है? सुबह से लेकर रात तक भारत के टेलीविजन, खासकर हिंदी और अंग्रेजी के चैनल, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ तालिबान, तालिबान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। मानो भारत की कोई खबर उनके पास नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर उड़ीसा तक कोई खबर भारत के टेलीविजन चैनलों के पास इस वक्त नहीं है। काबुल हवाई अड्डे से उड़े हुए एक जहाज में कैसे लोग घुसने के लिए बेहाल हैं, कैसे परेशान हैं, कैसे कोई फंस गया है उसके डैने में, कैसे कहां कौन सीढ़ी पर आकर गिर गया है, यही केवल कहानियां बताई जा रही हैं। अफगानिस्तान की जनता की इस त्रासदी पर पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का, खासकर लोगों में, संवेदनशील लोगों में एक अजीब तरह की बेचैनी है, और वो जेन्युइन बेचैनी है। वो चुनावी बेचैनी नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करना है। अभी पता चला, 2 दिन पहले की बात है, अखबारों में छपी है, आप सब जानते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बयानबाजियां देने वाले लोग होते हैं। यहां तो ऐसे लोग हैं जो कंधमाल और क्योंझर के हत्यारों को हिंदुत्व के नाम पर समर्थन देते रहे, जो रामगढ़ में लिंचिंग करने वाले लोगों को माला पहनाते रहे। क्या किसी ने कुछ किया? क्या कोई केस किसी ने किया? कोई मामला बना? लेकिन एक बयान किसी समाजवादी पार्टी के किसी एमपी ने दे दिया। निश्चित रूप से वो निरर्थक बयान था, बेमतलब बयान था। भारत की आजादी की लड़ाई से तुलना कर दी तालिबान की। हालांकि बाद में उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जो भी कहा हो वो जांच का विषय है। लेकिन अब उस पर राजद्रोह का केस, 124 से राजद्रोह का केस, ताकि उसको पूरे प्रदेश में सारे मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए, सारे मुसलमानों को एक तरह से कसूरवार ठहराया जाए कि मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं। अगर दलित समाज की एक लड़की 9 साल की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में उसके साथ क्या कुछ होता नहीं, क्या कुछ हुआ? श्मशान घाट, श्मशान का पूरा एक कैंपस था, और वहां पर जो खबरें आई, बताया गया कि उस लड़की के साथ बलात्कार पहले हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मामला कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, छानबीन में क्या निकलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन परिवार वाले आज भी अडिग हैं कि लड़की के साथ बदसलूकी की गई और हत्या की गई, लेकिन क्या मजाल की वो खबर है, वो खबर नहीं दिखाई गई। वो खबर अखबारों में छपी लेकिन टेलीविजनों पर कोई बहस नहीं की गई। हाथरस का मामला भूला नहीं अभी तक, लेकिन इस मामले पर कोई खबर नहीं। ऐसी खबरें रोज हो रही हैं देश में, ऐसी खबरें रोज होती हैं इस देश में। एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लीजिए, लेकिन इस देश के दलित उत्पीड़न पर कोई खबर नहीं है इस देश के सियासतदानों के लिए और इस देश के टेलीविजन चैनलों के लिए। सुबह से लेकर रात तक इस वक्त सिर्फ तालिबान और सिर्फ अफगानिस्तान चल रहा है। उस चिंता में हम सबको होना है।
लेकिन सरकार क्यों नहीं उस पर चिंता जाहिर करती, क्यों नहीं इंटरनेशनल फोरम पर वो अपनी बात ले जाती, पूरे देश को बताती, क्यों ये हिंदू मुसलमान करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों अभी हाल में एक बड़ा दिलचस्प सर्वे आया, ये सर्वे एक ऐसे मीडिया संस्थान ने कराया जिसके बारे में माना जाता है कि वो भी सरकार का सबसे बड़ा भोंकू बना हुआ है, और वो सर्वेक्षण उसमें बताया गया कि अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उनकी लोकप्रियता जो 66% बताई गई थी वो गिरकर 24% हो गई, और बताया गया कि वो 24% उनका प्रेफरेंस है उन लोगों का उनको लेकर, योगी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका 11% है, राहुल गांधी का 10% है, केजरीवाल साहब भी 8% पर हैं, ममता बनर्जी 8% पर हैं, और शाह जी गृह मंत्री 7% पर हैं। तो अब ये जो गिरावट है लोकप्रियता की, इसमें हो सकता है कि मीडिया संस्थान का सर्वे इसलिए भी हो कि उसे अपनी गिरती विश्वसनीयता को थोड़ा संभालने का मौका देने की मोहलत मांगी हो कि हमें ऐसा भी दिखाने दीजिए। तो ये जो मोहलत मिली होगी उसका उपयोग वो कर रहे हैं। मैं ऐसे सर्वेक्षणों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, इनकी साइंटिफिक प्रणाली कब अचानक पलट जाती है और कैसे संस्थान के इंटरेस्ट और सरकार की दूरभिसंधि के बीच में फंस जाती है कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा ये कहना है कि आवाम का जो पैरामीटर है, जो आवाम के दिमाग का जो बैरोमीटर है, उसमें साफ साफ इस सरकार की लोकप्रियता गिर रही है। जिन लोगों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया था, जिन लोगों ने सरकार की जय जयकार की थी, आज वो इस सरकार के विरोध में खड़े हैं, बड़ा हिस्सा खड़ा है। बंगाल का चुनाव इसका बिल्कुल साफ सबूत है, और ऐसे में दोस्तों यही कारण है, आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी के पहले ये हिंदू मुसलमान करने की साजिश रची जा रही है, और अफगानिस्तान तालिबान पर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के बजाय समाज के सबसे ऊपर से लेकर निचले तबके तक एक तरह का डिवाइड, एक तरफ का नफरत, एक तरह का अजीब तरह का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने गांव में कुछ लोगों से फोन पर बात की, गांव के लोग भी इस तरह की बातों में उल आ गए हैं। क्यों? क्योंकि टेलीविजन बेडरूम तक जाकर प्रदूषित करता है लोगों के दिमागों को, और अपने देश के टेलीविजन चैनल प्रदूषण के सबसे बड़े औजार बने हुए हैं, खासकर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक प्रदूषण। तो दोस्तों आज बस इतना ही मैं कहना चाहता था कि प्लीज प्लीज अफगानिस्तान और तालिबान पर पूरी विश्व की वास्तविक और जो जेन्युइन चिंता है उसमें जरूर आप शरीक होइए, उसमें जरूर आप शामिल होइए, लेकिन इस देश में तो जो अफगानिस्तान के नक्शे को भी ठीक से नहीं जानते, जिनको तालिबान का उच्चारण तक नहीं करने आता, तालिबानियों तालिबानी ये तक नहीं जानते कि तालिबान का क्या मतलब है और उसका क्या अर्थ है, इस उग्र इस आतंकी जो संगठन है उसकी पैदाइश किसने पैदा किया तालिबान, जिनको ये हिस्ट्री नहीं मालूम है, वो भी तमाम तरह के भाषण झाड़ रहे हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं और तमाम तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं डिस्कशन के। तो दोस्तों आज बस इतना ही कि प्लीज अफगानिस्तान और तालिबान के नाम पर भारत की आवाम के बीच में विभाजन पैदा करने की साजिश मत रचिए, खासकर उत्तर प्रदेश की आवाम में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.